नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनके हमारा तैयार होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं हमें कचौड़ी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 कप हमने मैदा ले लिया है, इसी कप से हमने नापा है। 1/2 कप हमने देसी घी ले लिया है, घी को हमने मेल्ट कर लिया है। 1 चम्मच अजवाइन, 1/3 चम्मच नमक और स्टफिंग के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे हमने 1 कप मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके 2 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, हमने छन्नी के ऊपर इसे रख दिया था थोड़ी देर, तो एक्स्ट्रा पानी जो था दाल से वो निकल गया है। और इसी कप से हमने दाल भी नापा है। और हमें मसाले में यहाँ पे चाहिए 1 चम्मच गरम मसाले, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है, धनिया 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 पिंच हींग और यहाँ पे हमने 1/3 चम्मच काला नमक और 1/3 चम्मच सादा नमक ले लिया है। फ्रेंड्स, इस मसाले में अगर आप चाहे तो साबुत धनिया और सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट करके आप इसे थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। हमें धनिया बिल्कुल साबुत पसंद नहीं है, तो हमने धनिया इसमें साबुत यूज नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और चाहिए हमें 1 चम्मच साबुत जीरा। और स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे 3 चम्मच हमने तेल ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आटा गूंध के तैयार कर लेते हैं। हमने आटा गूंदने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे। ये अजवाइन को हम हथेलियों में रख के थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आते हैं। नमक डाल देंगे, मिला लेंगे एक बार। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे हम पहले घी को। अच्छे से हमने मिला लिया है, देखिए बिल्कुल मुट्ठी बनके हमारा ये तैयार हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके गूंद लेंगे। आप इसमें घी की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने घी डाला है यहाँ पे, तो उससे बहुत ही अच्छा और खस्ता हमारा कचौड़ी बनके तैयार होगा। हम आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। आटे का डो बनके हमारा तैयार है। अब हम थोड़ी देर इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे। बिल्कुल हमें एक ही बार इसे घुमाना है मिक्सी में, बिल्कुल इसे दरदरा हमें पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस एक बार हम दाल को बिना पानी के चला लेंगे। देखिए दाल को हमें बस कुछ सेकेंड हमने इसे चला लिया है और दाल अभी भी हमारा साबुत दिख रहे हैं, तो ऐसे ही हमें पीसना है। तो चलिए अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। तेल गरम हो जाने पर सबसे पहले हम जीरा डालेंगे।
जीरा को हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को और रेसिपीज को शेयर कीजिएगा। जीरा भून जाने पर हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हम कुछ सेकेंड बेसन को भून लेंगे। पहले बेसन को हम कुछ सेकेंड बस भून जाने के बाद इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। बेसन हमारा जलना नहीं चाहिए। सबसे पहले कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाले और नमक भी ऐड कर देंगे। हम मिला लेंगे हम अच्छे से। अब हम इसमें मूंग दाल ऐड करेंगे। अब दाल को हम अच्छे से बिल्कुल ड्राई होने तक भूनेंगे मसाले के साथ मिलाते हुए। गैस हमारा बिल्कुल लो फ्लेम में है। हमें 3-4 मिनट दाल को भून लेना है। बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए स्टफिंग हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमने 3-4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में इसे चलाते हुए भुना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रखेंगे। स्टफिंग भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम कचौड़ी बेलने की तैयारी करते हैं। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम 1 मिनट इसे और अच्छे से गूंथ लेंगे। एक मिनट हम अच्छे से गूंदने के बाद इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हम छोटे साइज का, देखिए इस साइज का हम बॉल बना के तैयार कर लेंगे। साइज आप देख सकते हैं, ऐसे साइज के हम सभी बॉल्स रेडी कर लेंगे। सभी बॉल्स बना लिया है। अब दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसे हम थोड़ा गोल शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से हम सभी बॉल्स को पहले गोल शेप दे देंगे। देखिए सभी बॉल्स को हमने गोल शेप दे दिया है। अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम स्टफिंग के तैयारी कर लेते हैं। हम थोड़ा सा ये दाल का बैटर लेंगे और पेड़े के साइज के हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। पहले देखिए ऐसे साइज का हम बॉल्स बना के तैयार करेंगे। देखिए हमने स्टफिंग के भी बॉल्स बना लिए हैं। हमारे 14 बॉल्स बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम कचौड़ी बना लेते हैं। ऐसे हम हथेलियों में रख के थोड़ा चपटा कर लेंगे और साइड के भागों को ऐसे हम फ्लैट करते जाएंगे। हम बीच का भाग
ज्यादा हम पतला नहीं करेंगे, नहीं तो स्टफिंग रखने के बाद फट सकता है। तो हम ये साइड से हम थोड़ा पतला करते जाएंगे और एक कटोरी वाला शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से एक बॉल्स लेंगे, इसके अंदर रखेंगे, थोड़ा सा इसे हम प्रेस करते हुए, देखिए बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। देखिए इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा भाग होगा उसे हम थोड़ा निकाल देंगे, देखिए, और इसे हम हथेलियों में रख के थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। देखिए देखिए एक और दिखा देते हैं हम आपको। ऐसे एक बॉल्स लेंगे हम, थोड़ा सा हम फैलाते हुए इसे ऊपर साइड की तरफ से कटोरी का हम शेप दे देंगे। देखिए बॉल्स रखेंगे हम और इसे हम बंद कर देंगे। जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे ही हमें इसको बंद करना है। अगर एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल देंगे, नहीं तो हम उसी में ही बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और हथेलियों में रख के थोड़ा सा हम फैला लेंगे इसे। हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो सबसे पहले हम सभी कचौरी में स्टफिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सभी कचौरी पहले बना लेंगे। हमने सभी कचौरियां बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। हमने तेल को लो टू मीडियम फ्लेम में गर्म किया है। अब हम थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल के हम चेक करेंगे कि तेल हमारा गर्म है नहीं। देखिए तेल हमारा मीडियम गर्म है, अभी भी आटा जो डाला था हमने वो नीचे ही है, तो हमें तेल इतना ही गर्म चाहिए, हमें बिल्कुल हाई हीट पे गर्म नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके कचौरियां डाल देंगे। गैस को हमने लो टू मीडियम रखा है और बिल्कुल तेल हमारा मीडियम गरम है। जितना हमारा एक बारी में आएगा उतना हम डाल देंगे। कचौरी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। ये जब फ्राई हो जाएगा तभी ऊपर आ जाएगा कचौरी, तो हम वेट करेंगे। देखिए कचौरियां फूल के ऊपर आ गया है। हमें 2 मिनट का टाइम लगा कचौरी को एक तरफ फ्राई होने में, ये अपने आप ही ऊपर आ गया। अब हम एक एक करके कचौरियों को पलट देंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको कि तेल ज्यादा गर्म ना हो जब आप कचौरी डालें, और कचौरियों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, और दोनों तरफ अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम कचौरियों को पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। और जिस तरीके से हमने आज कचौरी बनाया है ये स्टफिंग वाला, आप 15 से 20 दिन इसे बना के स्टोर करके खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। पलट देंगे एक बार। और दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कचौरी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, दोनों तरफ हमारा अच्छे से कलर भी आ गया है और अच्छे से फ्राई भी हो गया है। अब हम कचौरियों को निकाल लेंगे।
थोड़ा सा हम छन्नी में इस तरीके से रखेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और अब हम इसी तरीके से सभी कचौड़ियां फ्राई कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है। हमारे 2 कप मैदा में 15 कचौड़ी बनके तैयार हुआ है। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए होंगे। और आप लोगों को ये रेसिपी मेरा पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगला रेसिपी लेके मैं बहुत जल्दी आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।